वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं विनाश आप लोगों के बीच फिर से एक नया वोकैब सीरीज लेकर के आया हूँ, जो कि 15 वर्ड 15 मिनट सीरीज के अकॉर्डिंग आपका कंटिन्यू चल रहा है और उसमें हम लोग 26वां सीरीज आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए PDF के तौर पे तो बनेगा क्वेश्चन ही, साथ ही कॉमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो इसके लिए मैंने एक आपको तैयार कर दिया टेबल, जो इस बार वर्ड उसके साइनोनिमस और उसके एंटोनिमस का टेबल है। ठीक है, जैसे कि एक नंबर में आपका जो वर्ड है इसका आपको आंसर देना है कि इसका साइनो क्या होगा। तो बेनिग्न का मतलब होता है दयालु के साइंस में, तो काइंड हो गया आंसर बी। अब इसका एंटो सोचना है तो काइंड कॉल्ड अक्रूवल साफ दिख रहा है, यानी आंसर वाई। तो आपको कॉमेंट सेक्शन में आंसर इस तरह से पोस्ट करना है, समझ गए। तो चलिए ये काम आपका, इसको हम हटाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला टर्म आपका है आज का जो है वो जेरेंटोक्रेसी है, फिर से क्रेसी लगा हुआ है, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड ये वर्ड होगा स्टूडेंट, और हम लोग समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट बाई क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड, गवर्नमेंट बाई। अब देखो जिनको नहीं पता उनको बताता हूँ, GERONT जो है वो सफिक्स प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है क्या, ओल्ड एज से। ठीक है, जर जर आपने हिंदी में सुना है, जर जर पुराना, ठीक है, तो वही है जेरोंटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई क्या हो जाएगा, ओल्ड पीपल, या कह सकते हैं गवर्नमेंट बाई एल्डरली। ठीक है, गवर्नमेंट बाई ओल्ड पीपल या गवर्नमेंट बाई क्या हो जाएगा, एल्डरली। चलिए अगला पढ़े एपिटाफ, जो कि आपको डेथ रिलेटेड वर्ड है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा समाधि लेख, कि समाधि बनाई जाती है किसी व्यक्ति की और उसके ऊपर लिख दिया जाता है उनका जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष, ये सब चीजें, उनका नाम थोड़ा थोड़ा। तो एपिटाफ का मतलब होता है क्या, रिटन इंफॉर्मेशन ऑन ए टॉम्ब। ठीक है, टॉम्ब का मतलब होता है कब्र, तो किसी टॉम्ब के ऊपर लिखा गया जो रिटन इंफॉर्मेशन होता है उसी को एपिटाफ कहते हैं, हिंदी होगा समाधि लेख। मीसो मतलब हेटर, गैमिस मतलब शादी। जो इंसान शादी विवाह का क्या करता है, विरोध करता है, हेटर ऑफ मैरिज, जो शादियों का विरोध करता है कि शादी वादी नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो सेंस। सेमी का मतलब तो सबको पता है 50-50 आधा, और सेंटेनियल अब कह रहा है कि 100 का आधा, तो सबको पता है कि कितना होता है 50, यानी कि जो 50वां एनिवर्सरी मनाएंगे उसको कहा जाएगा कि वो क्या पूरा कर चुके हैं अपना शादी का हाफ सेंचुरी, है ना, 50th एनिवर्सरी, 50वां जो वर्षगांठ होता है, चाहे वो शादी का हो या किसी दुकान का हो, वो आपका कहलाता है सेमी सेंटेनियल। देखो नेक्स्ट में जो एंथोलॉजी है, कितना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि लॉजी मतलब तो अध्ययन होता है, कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन, अब क्या चीज का कलेक्शन होता है, तो एंथो का मतलब हो जाएगा फ्लावर, फिलहाल कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स भी देता है और पोएम्स भी देता है, फ्लावर्स के लिए भी देता है, पोएम्स के लिए भी देता है। ठीक है, ज्योग्राफी में आएगा, यानी कि जब जीके का क्वेश्चन आएगा तो पोएम्स देगा, और अगर इंग्लिश में आएगा तो कलेक्शन सेंस में फ्लावर्स देगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड के पास आते हैं, जो फ्रेजर वर्ब का बहुत ही फेमस वर्ड है, और वर्ड है क्या, लुक इनटू, केस लिखा हुआ है, यानी कि किसी मामले में क्या करना, छानबीन करना। अब छानबीन करने का इंग्लिश कौन नहीं जानता कि क्या होता है, इन्वेस्टिगेट होता है ना, इसके साथ इनटू लगाना मना होता है, आपको अगर इनटू लगाना है तो किसके साथ लगाना है, इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी की जगह आप प्रोब वर्ड भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड आपके पास में है पुल ऑफ, यहां ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, विक्ट्री, जीत हासिल करना, जीत खोद के निकालना, सबसे अच्छा खींच के निकालना, यह सेंस हुआ। इसका मतलब होता है क्या, झंडे गाड़ना, यानी विजय हासिल करना, झंडे गाड़ना, दुश्मन के झंडे को पुल ऑफ करना और अपना झंडे गाड़ना, टू बी विक्टोरियस, विजेता बनना। चलिए नेक्स्ट में है सेट असाइड, कॉमन है, अगर कोई आदमी आपको सलाह देता है तो आप उसकी सलाह नहीं मानते हैं, आप उसके सलाह को साइड कर देते हैं, इसी को कहते हैं सेट असाइड करना, टू रिजेक्ट संबंध एडवाइस, किसी का सलाह को क्या करना, सेट असाइड करना।
चलिए, पांच मतलब होता है देखना, आउट मतलब बाहर जाके देखना। कहना यह है कि अंदर कुछ हो रहा है और आप बाहर जाकर के क्या करो, पहरेदारी करो, ठीक है, बाहर जाके देखो। तो बाच आउट का हिंदी क्या हो गया, पहरेदारी करना, और पहरेदारी करने का इंग्लिश क्या होता है, टू लुक कॉन्स्टेंटली, लगातार रूप से देखते रहना, क्योंकि अगर आप एक सेकेंड का भी देर करेंगे तो दुश्मन हो सकता है कि, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये था आपके पास नौ वर्ड। अब आते हैं दसवें वर्ड के लिए, थोड़ा बोर्ड को खाली करते हैं। चलिए, तो देखिएगा अगला जो वर्ड आपके पास में आने वाला है फ्रेजल वर्ब का, वो काफी चर्चित वर्ड है और लगता है शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है, टेक ऑफ। ठीक है, इसका दो तीन सेंस होता है, तो चलो मैंने आपको इस तरह से बताना है, टेक ऑफ। इधर सेंस हो गया और इधर हिंट और एग्जांपल हो गया। जैसे कि किसी ने कह दिया, अगर हम इस वर्ड को एरोप्लेन के लिए यूज करें तो आपको कहना पड़ेगा कि टेक ऑफ का हिंदी वैसे केस में क्या होगा, उड़ान करना, उड़ान भरना, और इंग्लिश क्या होगा, डिपार्ट। अब किसी ने कह दिया कि अगर हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, जूतों की बात कर रहे हैं, तो वैसे केस में क्या होगा, इसका मतलब है कि आप उन्हें उतारने की बात कर रहे हैं, रिमूव। चलिए, अब किसी ने कह दिया कि घर में हम कोई फंक्शन कराना चाहते हैं, तो कराना चाहते हैं का मतलब क्या, कराना, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो ये तीन सेंस में आपका यूज होता है, यानी खुद में एक मैचिंग टेबल है। नहीं होता, मुझे इसमें क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा इस चीज का गुण नहीं है, इसके बारे में सही नहीं है, तो उस तरह पे है फ्रेज कि कौन सा इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डिबाच, रिमूव, ऑर्गेनाइज तो है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट में जो वर्ड आपका है वो इडियम्स का है, ए बिग ड्रा। देखो, बिग का मतलब होता है बड़ा, ड्रा का मतलब खींचना, कोई इतना बड़ा आदमी है किसी फील्ड में कि उसकी ओर आपकी आंखें खींची की खींची चली जाती हैं, आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, यानी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ए बिग ड्रा का मतलब क्या हो गया, अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी होगा चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व, कैरेक्टर जो कि काफी पॉपुलर है। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं ए क्लोवेन हुक। देखो ध्यान से, चाइना 1962 में क्लोवेन हुक अप्लाई किया था, जिसको हिंदी भाषा में कहा जाता है धोखाधड़ी की नीति, जालसाजी, ठीक है, धोखाधड़ी की नीति, अ कॉन्स्पायरेसी, या टाइप ऑफ कॉन्स्पायरेसी, अ टाइप ऑफ कॉन्स्पायरेसी, धोखाधड़ी की नीति। चलिए, अब 13 की बात करते हैं। लिखा हुआ आपके पास में फ्रेंच लीव, सबको पता है कि छुट्टी ही होगा किसी प्रकार का, तो कैसे छुट्टी होती है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ऑफिस में आप बिना बताए ही हैं जो कि छुट्टियां ले लेते हैं, या छुट्टी एक दो दिन का लेके जाते हैं और उसके बाद आप फिर आते हैं अपने ही मन से, इसी को कहते हैं कि लीव विदाउट परमिशन, फ्रेंच लीव, लीव विदाउट परमिशन। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं गुड सैमरिटन। देखिए, इसमें एक वर्ड आपके पास लग रहा है सम्राट जैसा, कि कभी किसी आदमी का जो दिल होता है ना, एक बहुत बड़े सम्राट की तरह होता है, कि किसी अजनबी आदमी ने भी उससे मदद मांगा तो बिना कुछ सोचे समझे वो मदद कर देता है, तो यही होता है, अजनबियों की भी मदद करने वाला। व्हाट अब यूएस की तरह लिखाएगा, वन हु हेल्प्स इवन एन स्ट्रेंजर। चलिए, लास्ट फ्रेजल वर्ब करते हैं हम लोग, यहां से हैंग टुगेदर। देखो, हैंग मतलब लटकना होता है, टुगेदर मतलब हो गया साथ साथ। इमेजिन करो तराजू की तरह, कि तराजू का जो दोनों पल्ला होता है, अगर उस पे किसी भी साइड ना वजन की कोई वस्तु ना कोई बटखरा रखा गया हो, तो वैसे किस में क्या होगा, वो साथ साथ एकदम झूलेगा। तो ऐसे कुछ लोग भी होते हैं कि जब उन पे किसी का कोई दबाव नहीं होता है ना, तो दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। जैसे अब आम का सीजन है, दो दोस्त हैं तो हमेशा आम के पेड़ के पास मिलेंगे, जब तक उनके मम्मी पापा पीट के बुलाते नहीं है। तो हैंग टुगेदर का मतलब हो गया साथ साथ, क्या हो जाएगा, क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से एकदम क्लोजली रिलेटेड है, साथ साथ रहने वाले जैसे हैं। बाकी तो एक मूवी भी है, हम साथ साथ हैं।
चलिए, तो आपको इसका जो प्रैक्टिस करना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में जो पीडीएफ मिलेगा उसके साथ करना है। मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचाइए और कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखिए।